الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ستيج پر تشریف فرما، قابل احترام اکبر علی رسالی صاحب، اسحاق علی صاحب اور دیگر علماء، سامعین، آپ سبھی کو میرا اسلامی تحیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہماری اخلاقی ذمہ داری، معزز سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خلقی صفات سے بھی مزین تھے اور خلقی صفات سے بھی مزین تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اور جسمانی کیفیت بھی بہت ہی خوبصورت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی بہت بلند تھا. دونوں اعتبار سے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا: میرے حبیب کے آمد کے بعد سے لے کر تا قیامت تک تمہارے لیے کوئی آئیڈیل بن سکتا ہے، کوئی نمونہ بن سکتا ہے، کوئی مثالی انسان بن سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے بہترین انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور آپ سے اعلیٰ کردار کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرمایا: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کردار کی اونچی چوٹی پر فائز ہیں. معزز سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم میں سے ہر آدمی ہر دن کم سے کم ایک مرتبہ صحیح آئینہ ضرور دیکھتا ہے، اور جو بھی نوک پلک ہوتی ہے اس کو وہ صحیح بھی کر لیتا ہے. جیسا ہم دن و رات میں ایک مرتبہ آئینہ دیکھنے کے عادی ہیں، ویسی ہی عادت بھی یہ بھی بنا لیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آئینے کو بھی ہر دن ہم دیکھتے رہیں اور ہم میں جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، اس کو ہم صحیح کرنے کی کوشش کریں. معزز سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی وسیع ہے کہ آپ کی زندگی کو جاننے والے آدمی کو عالم بھی کہتے ہیں، علامہ بھی کہتے ہیں، شیخ الحدیث بھی کہتے ہیں، فقیہ الزمانہ بھی کہتے ہیں. یہ سب الفاظ کس وجہ سے ان کو مل رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سٹڈی کرنے کی وجہ سے.
सिर्फ और सिर्फ आपके उसवे को पढ़ने की वजह से, अपनाने की वजह से, अमल करने की वजह से, और अपने जान और माल से ज्यादा आपसे मोहब्बत करने की वजह से। चुनांचे हमें हर हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी सुन्नतों पर और आपकी सीरत पर हमारी जानों को निसावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और हमारे बच्चों को, नौजवान नस्ल को तैयार भी हमें करना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आप हमेशा सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, कई सारी खबरें सुनते हैं जिसमें दिल को ठेस पहुंचाने वाली, दुख देने वाली बातें भी होती हैं, और उन बातों में सर फहरिस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा शख्सियत पर कीचड़ उछालने का गंदा काम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आईने जैसी है। मैं आईने से तस्वीर इसलिए दिया हूँ, अगर कोई कीचड़ उछालता भी है, कोई पराग गंदा करने की कोशिश करता भी है, थोड़ी देर के बाद आप कपड़ा लेकर साफ करें, वो साफ हो जाएगा। अगर बारिश बरसती है तो वो साफ हो जाएगा। तो उनके जो अवहाम हैं, उनके जो शुकों को शुभात हैं, वो तो दूर होंगे, लेकिन आपका उम्मती होने के नाते हम क्या कर रहे हैं, हमारा अखलाक क्या है, क्या हम अपने अखलाक के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपने अमल के जरिए लोगों को ये पैगाम दे पा रहे हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी वैसी नहीं थी जैसा तुम गुमान कर रहे हो। सुनांचे सीरत के आईने में अपने आप को जानने की बेहद ज़रूरत है। सुनांचे कुछ बातें मुख्तसर अंदाज में आप हजरात के हवाले करके मैं अपनी जगह लूँगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से हर एक आदमी या किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का नाना है, किसी का दादा है, पोता है, नवासा है, और हमारे अपने अपने रिश्ते हैं। बिल आखिर हम सब एक मरहले में जाने वाले हैं जिसको पेरेंट्स का मरहला कहा जाता है। हम भी हमारे खानदान के जिम्मेदार बनेंगे, हमारे खानदान के हुक्मरान बनेंगे, तो हमें चाहिए कि हम इस मामले में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को उस्वा बनाए। चुनांचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से एज ए पेरेंट जो बातें आती हैं उसमें एक बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी मौसम का नया फल आता था तो सबसे पहले बच्चों को दिया करते थे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते से गुजरते, बच्चे अगर दिखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़कर सलाम करते थे, उनसे कलाम करते थे, और कलाम करते वक्त, बात करते वक्त उनका जो सतह होती है, बैठकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बात करते थे, और हर बच्चे से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपनाह मोहब्बत करते थे। चुनांचे आपको मालूम है ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, और उनके बेटे हैं उसामा बिन ज़ैद, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको गोद लेके उनका नाक साफ कर रहे हैं। कितना मिसाली सेवा है हमारे लिए, कितना मिसाली उस्वा है। अगर हम नाना हैं, दादा हैं, बाप हैं, कोई भी पोजीशन में हम, क्या हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बड़े हैं? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों से मोहब्बत किया, बच्चों को आपने बोसा दिया, बच्चों की नाक आपने साफ की, बच्चों के लिए आप खुद घोड़े बने, तो क्या यहाँ मुश्किल पेश आती है कि हम अपने आप को इसमें, इस आईने की उकासी करने में जो है नाकाम क्यों होते हैं? और इसी तरीके से एक वफ़द आया, देखा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से मिले हुए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप बच्चों के साथ बिहेव कर रहे हैं। तो उसने कहा, क्या आप लोग बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, लाड़ो प्यार बच्चों के साथ? हमारे इलाके में ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं करते। तो उस वक्त नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहम भरी नज़र उस शख्स को देखा और फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारे दिल से रहम अगर उठा लिया तो मैं क्या करता। उसके बाद हदीस में आता है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के तफासिल देते हैं, ये फलाने इलाके से और फलाने कबीले से जुड़ा हुआ आदमी है,
जिसमें इस किस्म के सख्त मिजाजी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बच्चों से मोहब्बत करने वाले कबीले में भेजते हैं और उसकी तरबियत करवाते हैं। तरबियत करने के बाद जब वो आता है तो पूरा बदला होता है। चुनांचे मुआज्जज़ सामईन, आज ये पेरेंट हमें अपने बच्चों से मोहब्बत करनी चाहिए, जहाँ हमें मोहब्बत करनी चाहिए वो अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, उन बातों से जो हमारे बच्चों को ख़राब कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं या आखिरत में उन्हें जहन्नम के हवाले कर सकते हैं, उन चीज़ों से भी हमें बचाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कुल्लुकुम मसूलुन अन रायतिही, कि तुम में का हर आदमी जिम्मेदार है और अपनी जिम्मेदारी के ताल्लुक से उससे ज़रूर सवाल किया जाएगा। उसके बाद माज़ा सामईन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले खाना के साथ आपका मामला कैसा होता? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला अहले खाना के साथ कैसा होता था? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है, लोगों में सबसे अच्छा आदमी वो है जिसके जरिए सबसे ज्यादा नफा लोगों को पहुंचता है। तो सबसे ज्यादा नफा लोगों को पहुंचने से पहले किसको पहुंचना चाहिए? वालिदैन को पहुंचना चाहिए। किसको पहुंचना चाहिए? आपके बाल बच्चों को पहुंचना चाहिए, आल औलाद को पहुंचना चाहिए, रिश्तेदारों को पहुंचना चाहिए और आपके करीबी दूर के जो दोस्त अहबाब हैं उनको पहुंचना चाहिए। तो मुआज्जज़ सामईन, अभी मैं रास्ते में आ रहे थे तो मौलाना फ़ोन करके, कुवैत में फ़ोन करके किसी शख्स को जो है आप हुक्म दे रहे थे कि इतना आपके पास अगर उसूल हुआ है उसका ये जो बुध है 3000 फलाने गरीब आदमी को पहुंचा दो और ये 2000 फलाने गरीब आदमी को पहुंचा दो, उनका कुछ मसला है। वहाँ से सामने देखें कि आदमी कहाँ रहता है, क्या जॉब करता है, किस हालत में है, ये अहम नहीं है। उसके जरिए समाज को क्या पहुँचता है, कितना वो नफा पहुँचाता है, ये बहुत ही अहम चीज़ है। चुनांचे हमें चाहिए कि हम हमारे घर वालों के साथ खासकर जो है अच्छा मामला हमें करना चाहिए। चुनांचे जो नान नफा की जिम्मेदारी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ कुवैत आने के बाद मटके के नशे में, दीगर नशों में पढ़कर मियाँ आला औलाद को, घर बार को भूल जाते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और आज उम्मती हमें चाहिए कि हम हमारे अहले खाना के साथ अच्छा मामला करें। उसके बाद मुआज्जज़ सामईन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिम्मेदार की हैसियत से आपका रोल क्या था, इसके ताल्लुक से भी हमें जानना ज़रूरी है। आपको मालूम है बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल करने से पहले उनका किरदार क्या था, उनका रोल क्या था, समाज में उनको किस नज़र से देखते थे, ये भी हमें मालूम। लेकिन जब इस्लाम कबूल किए तो ये मकाम उनको मिला कि वो काबे पर चढ़कर अज़ामी दिया करते थे और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सरदार करके बुलाते थे। तो कभी भी एक कायद खुद कायद बना रहना नहीं बल्कि अपने बाद उसके हम जगह और उसके जैसे कायद को तैयार करना भी। चुनांचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही अल्लाह को प्यारे होते हैं, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का मनसब संभाल लेते हैं, उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, उसके बाद उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, उसके बाद अली रज़ी अल्लाह अन्हु, यानी तेलुगु में अगर हम कहें सहन आए कुली तैयार चिगड़म, ये भी आपका उसना। और इसी तरीके से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अड़ोस पड़ोस से आपका मामला कैसा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया कि जिसकी बुराई से, शरारत से अड़ोस पड़ोस जो है पड़ोसी महफूज है, अल्लाह उसको जन्नत अता करेगा। और दूसरे हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे शरीर आदमी वो है जिसके शरारत और बुराई से उसका खुद पड़ोसी महफूज नहीं। और तीसरे हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुकम्मल मोमिन हो ही नहीं सकता जो खुद पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी जो है भूख से तड़प रहा। चुनांचे एक अच्छे पड़ोसी होने की मिसाल भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें मिलती है। और इसी तरीके से माज़ा सामईन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बात से मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, क्योंकि
मौलाना मोहतरम से हमें मुस्तफीद होना है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आम मर्यादा को हमें सिखाई है, सबके लिए जो अपने होती है वो ये है, فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا। ये शहर जितना पवित्र है, ये महीना जितना पवित्र है और अरफा का दिन जितना पवित्र है, उतना ही पवित्र तुम्हारा माल है, तुम्हारी जानें और तुम्हारी इज्जतें हैं। तो सिर्फ मेरी इज्जत मुझे प्यारी नहीं होनी चाहिए, मेरा माल मुझे प्यारा नहीं होना चाहिए, मेरी जान सिर्फ मुझे प्यारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जितना मैं खुद से मोहब्बत करता हूँ, मेरे माल से मोहब्बत करता हूँ, मेरे जान से, मेरी इज्जत से मोहब्बत करता हूँ, सामने वाले के जान से भी हमें मोहब्बत करनी है, सामने वाले की का जो ईमान है उसकी जो है हमें कदर करनी है, उसकी जो इज्जत है उसकी कदर करनी है, और उसकी रोशनी में हम एक मोहब्बत और भाईचारगी का माहौल अगर हम बनाएंगे तो इंशाअल्लाह इसका असर सिर्फ हम मुसलमान भाइयों पर ही नहीं, बल्कि जो गैर मुस्लिम हैं वो भी हम मुतासिर होंगे, हमसे मुतासिर होंगे, और हम अगर बिजनेसमैन हैं या किसी इदारे में हम जिम्मेदार हैं, किसी कंपनी में हम जिम्मेदार हैं, तो हमारे अखलाक के जरिए हम ये पैगाम दें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने उस्वा बनाया है, और इसी उस्वे की वजह से मेरा ये मामला तुम्हारे साथ है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे, ज़हमत हरगिज़ नहीं। अल्लाह सुभानहु व तआला जो भी बातें कही और सुनी गई हैं उसमें अच्छी बातों को अपनाने की तौफीक कहने वाले मुझ को सुनने वाले आपको हम सबको अल्लाह सुभानहु व तआला फरमाए, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अलग अलग गोशों से जानने और उसके मुताबिक हमारी जिंदगियों को तब्दील करने की तौफीक भी अल्लाह सुभान व तआला सबको अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह आईपीसी के दाई मौलाना सैयद अब्दुल सलाम उमरी साहब, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पैगाम हमें सुना रहे थे कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाज़ा है, कि हाँ हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के